का रिएक्शन तो कल ही देखने को मिलेगा. ये तो फ्रेंड्स एंड फैमिली है जो आज देख रहे हैं. सो आई एम वेरी वेरी नर्वस, लाइक एज नर्वस एज एनी डायरेक्टर वुड बी और द एक्टर्स वुड बी, बिकॉज इट्स आर बेबी ऑल्सो. एंड जब ये कॉन्सेप्ट के साथ अभी रिलीज के साथ हम लोग साथ साथ हैं, तो वेरी मच कनेक्टेड टू द होल फिल्म. So just praying and hoping that all of you all wish us the same way as you all gave us a lot of love when you saw the trailer and you loved it, tweeted about it. So I hope this continues, and please watch Happy Bhaag Jayegi tomorrow, and wish me all the luck, and thank you so much for always being there for me. And nervousness to hai jaise ki ab ek din se bhi kam ka samay bacha hai. So film release hone wali, to kitni excited hai aap film ko lekar? Excited to hoon lekin nervous zyada hoon, because everybody's expectations have grown so high. So I'm just hoping that we keep up to their expectations, because audience, we don't know what audience want, what they like till now. So it's just that we work hard as a team, and we present to you, we want to entertain you all the time with different kind of concept, trying to refresh the audience with different kind of concept. But this time also we've come in the same way. It's a rom-com, as you all know. I've done all my interviews saying it's a, as we call it, run-com, and it's a cross-border story. It's a very simple, sweet story. Just go enjoy with your family, and enjoy it, as I've come with my brother today. Raksha Bandhan hai, and he's come specially from Bangalore for me. So Adi, come here. So I'm just hoping that he's come here to wish me luck, my brother. God bless you. And let's hope for the best now. मैं एक्चुअली पूरी फिल्म को लेके एक्साइटेड हूँ. जब से ट्रेलर आई थी तब से एक्साइटेड था. बहुत फन फिल्ड ट्रेलर था, एंड आई वॉज रियली हैप्पी जब आज के लिए इन्विटेशन आया, बिकॉज आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस फिल्म. परफॉर्मेंस वाइज सबके ही कमाल के लग रहे थे, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. कोई भी एक्टर का नाम है जिस ज़्यादा एक्साइटेड है उसके एक्टिंग? मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहना चाहूँ फॉर अ रीज़न, मैं डायना पेंडी जी कहूँगा, बिकॉज मैंने उनकी पहली फिल्म नहीं देखी थी, तो मैं उनका पहली बार परफॉर्मेंस देखूंगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. बट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ अली एंड अभय जी ऑल्सो एंड जिमी सर. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कृषिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अली भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और फिल्म का प्रोमो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है. सो आई रियली वांट टू सी व्हाट इज द फिल्म ऑल अबाउट. सो किसकी परफॉर्मेंस को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? सभी की, कोई एक नहीं है. यू नो, फिल्म जो है वो कृषिका की है, जो मेरी दोस्त है, तो बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने के लिए, और इतने अच्छे एक्टर्स ऑलरेडी है फिल्म में, अब है जिमी सर एंड Ali and Diana is coming after a really long time, so I'm really really looking forward to. Trailer बहुत अच्छा लगा, बहुत interesting लगा, and figure out करना है कि है क्या, you know, बहुत fun picture लग रही है, so let's see what is it all about. I'm really excited, and it's Mudassar Aziz film, and I think I'm just मतलब जो अभी तक trailer आए हैं और जितना भी अभी तक गाने आए हैं, तो it's मतलब सब चीज़ें बहुत एक्साइटिंग है, तो कांट वेट टू वॉच द मूवी. किसकी आई थिंक सभी की इनफैक्ट अभय देओल काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं, तो मैं उनकी एक्टिंग देखना चाहता हूँ. जिमी सर की एक्टिंग, सबकी सब एक्टर्स की इस फिल्म में आई एम श्योर बहुत अच्छा काम होगा. तो इज देयर एनी थिंकिंग टू मेक अ पंच प्यार का पंचनामा 3? और प्यार का पंचनामा 3 अभी टाइम है, पंचनामा 2 अभी आ गई है, तो अभी सोच के लिखना और फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें चालू करने में टाइम लगता है. बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ सोचा नहीं है, वो जब होगा तो अपने आप बड़ा अनाउंसमेंट होगा उसके बारे में, एंड लेट्स सी. देखने के बाद बोल पाऊंगा. ट्रेलर तो ब्रिलियंट है, सुपर है, और सबके लिए, सब हमारे मित्र हैं, जिम्मी भी, अली. अच्छा, इसलिए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहिए बस. दो तीन फिल्में हैं, एक न्यूटन है, एक अनारकली आरा वाली है, एक मैंगो ड्रीम्स है, तो यही सब है. चलो, थैंक यू.